गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर असिस्टेंट टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 8, गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड सोशल रिफॉर्म्स इन अवर राजस्थान बुक. आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन, और उसके बाद में कुछ साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा. तो देखो, आप पेज नंबर 51 निकाल लो. इसमें हमने इस चैप्टर के अंदर वुमेन्स राइट्स के बारे में पढ़ा है, चिल्ड्रन राइट्स के बारे में पढ़ा है, और किस तरीके से हम वोटिंग कर सकते हैं, ईवीएम मशीन, और उसके बाद में जो स्विप है उसका क्या यूज है, कैसे उसको यूज किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन. चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 टोल फ्री नंबर है. इज ए 24 आवर्स अ डे फ्री इमरजेंसी फोन सर्विस फॉर टॉर्चर्ड, इग्नोर्ड एंड अबेंडेड चिल्ड्रेन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. यानी कि जिन बच्चों को केयर, प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट द्वारा 1098 टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो कि 24 आवर्स जो है वो चालू रहता है, और कभी भी इस पे किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो या आप किसी भी परेशानी में हो तो उस वक्त आप इस पर कॉल कर सकते हैं. लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप सिर्फ उसे एज ए जोक लेकर और आप उस पे कॉल कर रहे हो, तो उसके लिए पनिशमेंट भी है. सो द स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू एबॉलिश एंड रिफॉर्म द चैलेंजेस ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन. लाइक कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार और उसके साथ साथ उनको फुल प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग रिफॉर्म्स या अलग अलग हम कह सकते हैं लॉज बना रही है, रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बनाए गए हैं. जैसे कि चाइल्ड मैरिज, फीमेल फोर्टिसाइड, चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड लेबर एंड माल न्यूट्रिशन. जैसे कि छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी पहले, तो उससे बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन दिया जाता है. उसके अलावा जन्म से पहले ही ये पता करना कि लड़का है या लड़की, और लड़की का पता होते ही उसे जन्म से पहले ही मार देना, वो फीमेल फोर्टिसाइड कहलाता है. तो ये भी क्या है, एक क्राइम है. तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी है. इसके अलावा जो लड़कियों की संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है, उसको इंक्रीज करने के लिए ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा. चाइल्ड लेबर एंड माल न्यूट्रिशन, ये छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हो कई जगह पर, शॉप्स पर या किसी ढाबे के ऊपर या किसी इंडस्ट्रीज वगैरह जो फैक्ट्री एरियाज होते हैं, ऐसे एरियाज में क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है उनसे जबरदस्ती. और ऐसे बच्चे फिर उनको फुल जो डाइट है वो नहीं मिल पाती है, उनका जो पोषण है वो नहीं हो पाता है अच्छे से, तो वो फिर कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं. तो उनसे बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है ताकि बच्चों को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दी जा सके. तो देखो यहाँ पर राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है. द स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड एन इनोवेटिव एफर्ट फॉर फिलिंग कंप्लेंट ऑफ सिटीजन एंड एड्रेसिंग देयर ग्रीवियंस सिंस सितंबर 2019. एनीबॉडी कैन लॉज ऑनलाइन कंप्लेंट ऑन दिस पोर्टल विदाउट बीइंग प्रेजेंट इन रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट. एट पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज ए फ्री ऑफ चार्ज फैसिलिटी टू लॉज कंप्लेंट ऑन राजस्थान संपर्क सेंटर. There is a free of charge facility to lodge complaint and get its information from citizen call center. इसका टोल फ्री नंबर है 181. ये राजस्थान संपर्क पोर्टल है जिसमें आप राजस्थान में किसी भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए, उससे बचने के लिए आप ये टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं. और उसके अलावा ये पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे कंप्लेन कर सकते हैं. तो ये पोर्टल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है. नेक्स्ट है इसमें साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम. अब ये साइबर सिक्योरिटी क्या है और साइबर क्राइम क्या है. साइबर सिक्योरिटी इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी मीन्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिवाइस एसोसिएटेड विद इंटरनेट. कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, जो कि इंटरनेट के ऊपर
जो ज्यादातर इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, और इंटरनेट पर उन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो ये एक तरह की सिक्योरिटी है जो कि हमारे डिवाइस को प्रोवाइड कराई जाती है। इट्स एम एट प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटा फ्रॉम साइबर क्राइम। इसका मेन एम क्या होता है कि जो क्राइम इंटरनेट के द्वारा हमारे सॉफ्टवेयर का यूज करके किया जाता है उससे बचा जा सके, हमारे जो डाटास कंप्यूटर्स में सेव होते हैं उनसे बचा जा सके, उनको सिक्योर किया जा सके। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स आर एबल टू डू दिस। और ये सब काम कौन कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं या टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको बहुत अच्छी जानकारी होती है इन सब चीजों की, वही ऐसे सिक्योरिटी बनाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स जो है वो कितने तरह के होते हैं। Our security has become a big challenge because of changing technology. कि हमारी जो security है वो हर तरह से एक challenge बन गई है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सब लोग फोन पे इंटरनेट पर लगे हुए होते हैं, हमारे ज़्यादातर जो documents होते हैं, जो भी हमारे डाटाज होते हैं वो कंप्यूटर में सेव होते हैं, और उसको किस तरीके से easily दूसरे लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, तो ये क्या है, एक तरह का क्राइम है। तो ये सब चीजें जो आज हो रही है, ये किसका मतलब कि इसका मेन रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, वही इसका मेन रीजन है। इट इज ए वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अवर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड साइबर क्राइम। कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, स्टोर सिक्योरिटी के बेसिस पर उनको रखा जाए, और अगर उसे कोई यूज करता है या कोई उसे निकाल रहा है हमारे बिना परमिशन के, तो वो क्या कहलाएगा, एक क्राइम कहलाएगा। तो सबसे पहले आता है आपका रैंसमवेयर। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। रैंसमवेयर क्या है कि एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है विच अटैक कंप्यूटर सिस्टम एंड एनक्रिप्ट फाइल्स। कि जो कंप्यूटर्स पर अटैक करता है और हमारी जो फाइल्स है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। Then the attackers demand a ransom from the victim and restore the system only after getting ransom. यानी कि फिर इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो आपसे फिर पूछा जाता है, कुछ इसमें मैसेजेस है या कुछ ओटीपी वगैरह है जो कि आपको बताना होता है, फिर उसी बेसिस पर ये कंप्यूटर जो है वो वापस ठीक होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मालवेयर। इट हार्म्स फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन एक्सेट्रा। कि ये भी क्या है, एक तरह का वायरस है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम और फाइल्स को हर्ट कर, मतलब कि नुकसान पहुंचाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड इज कमिटेड वाया कम्युनिकेशन टू ट्रैप पीपल सो दैट देयर पर्सनल डाटा एंड पासवर्ड कैन बी एक्सेस्ड। यानी कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन ट्रैप है या एक ऐसा सिस्टम हम इसे कह सकते हैं जिसमें हमारे पर्सनल डाटा जो उसमें पासवर्ड वगैरह जो है वो भी दिखाई देने लग जाते हैं। फिशिंग और स्पूफिंग आर इट्स एग्जाम्पल। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिशिंग क्या चीज है, फिशिंग इज ए फॉर्म ऑफ फ्रॉड इन विच डिसेप्टिव ईमेल्स आर सेंड टू पीपल। फिशिंग क्या है, एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें ईमेल्स वगैरह जो है वो सेंड की जाती है। दिस ईमेल अपीयर टू कम फ्रॉम रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन। दिस मेल एम एट स्टीलिंग इंपॉर्टेंट डाटा। यानी कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से इसको सेंड किया जाता है जो कि उसको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई फ्रॉड है, और फिर उस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट डाटाज हैं उनको निकाल लिया जाता है। दिस मेल एम एट स्टीलिंग इंपॉर्टेंट डाटा, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जो भी पेपर्स हैं वो इजीली निकाले जा सकते हैं। फिर आपका आता है स्पूफिंग। इन इट द फ्रॉड पर्सन ट्राइज टू स्टील आइडेंटिटी और पर्सनल इंफॉर्मेशन। कि इसमें जो पर्सन है उसकी पर्सनल आइडेंटिटी और इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर जो है वो कैप्चर की जाती है, हार्म पहुंचाई जाती है उनको, ऑफ समवन बाय प्रिटेंडिंग टू बी लेजिटिमेट बिजनेसमैन, नेबर और रिलायबल पर्सन। यानी कि वो ऐसे लोग कर सकते हैं जिनको इसका पूरा नॉलेज होता है और कुछ खास जो हमारे जानकार होते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है।
आजकल आप सुनते होंगे कई ऐसे मतलब कि क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके केसेस जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं और आपका क्या ओटीपी है वो आप बता दीजिए जिससे हम आपके अकाउंट को फर्दर एक्सेस कर सकें, या कुछ भी उसमें मतलब कि अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो बताई जाती है। तो ऐसी चीजों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी भी बैंक से जो है वो पर्सनल कॉल बहुत रेयर केसेस में ही आता है, अदरवाइज आप वहां प्रेजेंट होकर ही ऐसे काम करवाएं। अदरवाइज फोन पर कोई इंफॉर्मेशन जब आपसे मांगी जाती है तो आपको नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी मीजर्स। अब साइबर सिक्योरिटी क्या क्या होनी चाहिए? कीप योर पासवर्ड एंड एटीएम पिन सीक्रेट, कि आपका जो पासवर्ड है या एटीएम पिन है उसको सीक्रेट रखो, आप किसी को बताओ मत। एंड चेंज देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हमें हमेशा एक जैसा ही पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, हमें समय समय पर उसे बदलते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से भी छुपाएं, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अदरवाइज आपका इस टाइम पर ऐसा कोई यूज नहीं है इंटरनेट के ऊपर जिसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई पासवर्ड यूज करना पड़े या कोई भी आपको चेंज करना पड़े। यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, कि हमारे कंप्यूटर के लिए जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास होना चाहिए। एंड लैपटॉप, डू नॉट गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और फोन और ऑन ईमेल, यानी कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी फोन पर या ईमेल पर नहीं बताइए, आप ये बताना जो है वो सेफ नहीं है। इमिडिएटली गिव इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉड इन एटीएम और इन बैंक अकाउंट टू द रिलेटेड बैंक, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को पिन बता दिया है या गलती से आपका कोई पर्सनल डाटा किसी के पास चला गया है तो आप उसी वक्त जाकर बैंक में क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसे सील कर दिया जाए। ऑनलाइन कंप्लेंट कैन बी लॉज्ड ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इन केस ऑफ साइबर क्राइम, और ऐसा कोई क्राइम होता भी है तो उसके लिए आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मेनी सर्च एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट रिजल्टिंग इन द बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन, कि अब राजस्थान में और राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे बेटरमेंट के लिए वुमेन्स की जो कंडीशन है उसको भी काफी डेवलपमेंट हुआ है उसमें। सो मेनी प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन पावर्स को इंक्रीज करने के लिए, उनके स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए। स्विप प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस टू मेनी मेक एवरी सिटीजन बिलीव दैट हीज और हर वोट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री। स्विप प्रोग्राम जो है वो क्यों चलाया गया है? ताकि सब लोगों को ये बताया जा सके कि आपका जो वोट है वो कंट्री के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हर एक पर्टिकुलर पर्सन का वोट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा है, ईच वोट हैव वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू एंड वन इम्पॉर्टेंस। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज देयर टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी गवर्नमेंट अथॉरिटी, एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन एट द सेम टाइम, कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो डिटेल्स है या हमारी जो कंप्लेंट है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं और गवर्नमेंट की सभी इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक आ सकती है। इसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इट इज कंपल्सरी फॉर द चिल्ड्रेन अप टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, कि उनके लिए एजुकेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड टू सिंप्लीफाई वर्क प्रोसेस अलॉन्ग विथ अवेयरनेस टूडे टूवर्ड्स हिडन साइबर क्राइम्स, कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं एग्जीक्यूट किए गए हैं और उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको अभी भी जरूरत है एग्जीक्यूट करने की, जिससे जिस तरीके के जो हिडन साइबर क्राइम्स जो होते आ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। Thus, it can be said that efforts made by the state for mass awareness and social reforms lead it toward the path of progress.
प्रोग्रेस कि ये जो एफर्ट्स पुट किया जा रहा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे अलग अलग जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो अगर इसी तरीके से अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाएगा तो एक हम जो है वो हमेशा प्रोग्रेस के ही पाथ पर रहेंगे, यानी कि प्रगति के रास्ते पर चलते रहेंगे। सो योर चैप्टर इज कम्प्लीट, लेट्स सी द एक्सरसाइज। See page number 53, question number 1. What is woman literacy rate of Rajasthan according to the census 2011? So what is the literacy rate of Rajasthan 2011 census ke according? Kya hai? 52.12%. Yes. 52.10% मैम वैसे 12 है लेकिन ऑप्शन में नहीं है 12%। ऑप्शन में तो है बेटा 12। मैम वो 55.12 है। अच्छा मैम पेज नंबर 47 पे है, सबसे ऊपर ही है 52.12%। ओके 52.12% है। चलो अभी आप इसको 52.10 लिखो, इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ भूमदान मूवमेंट? भूमदान मूवमेंट के फादर कौन थे? ऑप्शन सी। यस, विनोबा भावे। इट इज विनोबा भावे। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है विनोबा भावे। इसके बाद में नेक्स्ट देखो आप, मैच द कॉलम VVPAT, इसका आंसर क्या होगा? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यस, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा नॉन ऑफ दीज। Yes, none of these. मजदूर किसान शक्ति संगठन। Right to information. Yes, right to information. And convention on child's right. United Nations Organization. Yes, United Nations Organizations. सबने फिल कर लिया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next question है आपका, what is SWIP program? So let's come to the page number 50 page पर देखो आप सबसे ऊपर, it is a flagship program of Election Commission of India to educate about electoral process and to increase participation of voters, citizens and electors. It is known as Systematic Voters Education and Electoral Participation Program, SWIP. ओके ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। नेक्स्ट मैम ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने ना? नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं लिखने। नेक्स्ट है एक्सप्लेन चिल्ड्रंस राइट, पेज नंबर 51। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन An organization passed the Convention on Rights of the Child on 20th November 1989. ये आपका first point हो जाएगा। Second point के लिए, it is a first international convention which recognized civil, cultural, social, economic and political rights of all the children. Third point होगा आपका,
इंडिया डिस्प्लेड इट्स कमिटमेंट बाय साइनिंग दिस कन्वेंशन इन 1992. These rights of children, next point है, these rights of children are based on four principles. और फिर उसके बाद में लिखो आप which include, इसके बाद में which कर लो, ये these principles को काट दो आप और इसकी जगह लिख लो which include the right to life, the right to protection, the right to development and right to participation. ओके यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हेन वाज स्टेट वुमन कमीशन एस्टैब्लिश्ड. स्टेट वुमन कमीशन जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ? फिफ्टींथ मई 1999. इसमें आप आंसर लिख लो 15th मई 1999. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली भूदान मूवमेंट. एक्सप्लेन ब्रीफली भूदान मूवमेंट. पेज नंबर 45. फर्स्ट इसमें भूदान मूवमेंट में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें देखो आप फोर्थ लाइन से, ऑन 18th अप्रैल 1951 विनोबा भावे इनिशिएटेड भूदान मूवमेंट बाय डोनेटिंग ए पीस ऑफ लैंड इन पोचमपली ऑफ तेलंगाना. मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू अबॉलिश इरेगुलरिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड. विनोबा भावे अपील लैंड ओनर्स टू डोनेट सिक्स्थ पार्ट ऑफ देयर लैंड. एंटायर नेशन सपोर्टेड द मूवमेंट. 1/3 लैंड रिसीव फ्रॉम डोनेशन वाज डोनेटेड अमॉन्ग डिप्राइव्ड क्लासेस एंड लैंडलेस ट्राइब्स ऑफ द सोसाइटी. एट द अपील ऑफ विनोबा भावे भूदान वाज स्टार्टेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. The government also passed Rajasthan Gram Dan Act 1971. Okay. सबने कर लिया? Yes, ma'am. Okay. तो आप यहां तक के questions करो, ये दो question आपको कल करवाएंगे. Okay, students? Yes, ma'am.